सुंदरपुर के गांव में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नु चिड़ा और अपने सास ससुर बंटी कबूतर और मीनू चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उसका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से उसकी सास मीनू चिड़िया उसे हर रोज ताने दिया करती थी। देख टूनी बहू, अगर तूने इस बार हमें घर का वारिस नहीं दिया तो मैं अपने बेटे टुन्नू की शादी कहीं और करा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के रोज रोज के ताने से परेशान हो गई थी। ऐसे ही एक दिन लाडो चिड़िया अपनी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ अपनी फ्रेंड टुनटुनी चिड़िया से मिलने उसके घर आती है। जब टुनटुनी चिड़िया अपनी फ्रेंड लाडो चिड़िया को देखती है तो वो बहुत ही खुश होती है और उससे कहती है, अरे लाडो, तू यहाँ कैसे? तू तो शहर के जंगल में रहती थी ना, फिर यहाँ कैसे आ गई? और ये तेरे साथ छोटी सी बच्ची कौन है? अरे टुनी, वो मेरे पति बंटी जी का ट्रांसफर तेरे ही गांव में हुआ है, तो मैंने सोचा तेरे से मिलते हुए चलूं। और ये तो मेरी पिंकी बिटिया है, ये मेरे से बार बार बाहर घूमने की जिद कर रही थी और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं। तभी मुझे याद आया कि तू यही कहीं आसपास रहती है, तो मैंने सोचा इसे तेरे घर ही ले चलती हूँ। यहाँ तेरी बच्ची के साथ खेलेगी तो थोड़ा इसका मन लग जाएगा। लेकिन लाडो, मेरा तो अभी कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैंने बहुत से डॉक्टरों को भी दिखाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे हर रोज ताने देती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी फ्रेंड लाडो चिड़िया से बात ही कर रही होती है कि तभी उसकी सास मीनू चिड़िया उसे आवाज लगाती है। अरे टुनटुनी बहू, तू दिन भर अपने फ्रेंड से बात ही करती रहेगी क्या? घर का काम कौन करेगा? तेरी मरी हुई माँ, चल जा जल्दी से घर का काम खत्म कर। ठीक है माँ, आप परेशान मत होइए, मैं अभी घर का सारा काम खत्म कर देती हूँ, आप जाकर आराम करिए। टुनटुनी चिड़िया के सास की बातें सुनकर लाडो चिड़िया अपनी फ्रेंड टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे टुनटुनी, तूने कोई गलती की है क्या जो तेरी सास तुझे ऐसे डांट रही थी? नहीं लाडो, वो मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा है ना, जिसकी वजह से सासू माँ मेरे से थोड़ी गुस्सा रहती है। तो टुनटुनी, तू मेरा कहना मान, तू नवरात्रि का व्रत कर, माँ दुर्गा सभी के कष्टों का निवारण करती है, वो तेरे भी कष्ट दूर करेंगी। लेकिन लाडो, मुझे तो इस व्रत के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये व्रत कैसे और कब किया जाता है। अरे टुनटुनी, तू क्यों परेशान होती है, मैं बताती हूँ इस व्रत को कब और कैसे किया जाता है। उसके बाद लाडो चिड़िया टुनटुनी को व्रत करने की सारी विधि बताती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और नवरात्रि का दिन आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत ही विधि विधान से नवरात्रि की पूजा में लग जाती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मीनू चिड़िया आ जाती है और टुनटुनी को पकड़कर वहाँ से बाहर ले जाती है और उससे कहती है, अरे करमजली, तू घर का काम छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही है? तू यहाँ पर मनोरंजन करने आई है? घर का काम कौन करेगा, तेरी माँ? नहीं नहीं माँ जी, वो मेरी फ्रेंड लाडो चिड़िया आई थी ना, उसने मुझे इस व्रत के बारे में बताया।
पूजा, मैं भी देखती हूँ क्या होता है इस पूजा से। दोनों आपस में बातें कर रही थी तभी अचानक टुनटुनी चिड़िया को चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये देखकर उसकी सास मीनू चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है। मीनू चिड़िया डॉक्टर को बुलाती है और अपने बहू की जांच करवाती है। तब डॉक्टर मीनू चिड़िया से कहता है, अरे मीनू बहन बधाई हो, आप दादी बनने वाली हो, आपके घर में नन्हा बच्चा आने वाला है। अरे ये तो सच में चमत्कार हो गया, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है, और चल हम दोनों मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया का पूरा परिवार मिलकर माता रानी की पूजा करने लगता है। जय अम्बे गौरी।